मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर के कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने वाले एक व्यक्ति के करंट लगने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक का नाम सुजीत कुमार राम निवास 22 साल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा माज होटल के आगे ब्लू बेल्स में हुआ है। मीटर लगाते समय सुजीत ने हैंड ग्लव्स नहीं पहना था और अचानक करंट की चपेट में आ गया। इसे तत्काल कालशेखर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर सुजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई। टोरेंट पावर के तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सभी काम करने वाले, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने वाले लेबर हों, सभी को हैंड ग्लव्स, हेलमेट, जूते और सेफ्टी के इस्तेमाल में जो भी चीज़ आते हैं, ये सभी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। मगर अक्सर करंट लगने की वजह जो सामने आती है कि लेबर सेफ्टी के लिए मिले हुए सामानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और करंट की चपेट में आने से इनकी जान चली जाती है। इसी तरह से सुजीत ने भी हैंड ग्लव नहीं पहना था और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और पंचनामा कर शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान शेख है। अदनान भाई, अभी हम मौजूद है कालशेखर अस्पताल में। आप यहाँ पर पता चला है कि किसी टोरेंट कर्मचारी की करंट लगने से डेथ हो गई है। आप बता सकते हैं क्या मामला था? मामला ये कि मेरा भाई सेकेंड फ्लोर पर एडमिट है, उसका आज ऑपरेट किया जा रहा था। ऑपरेट करने के बाद मैं घर के लिए निकला तो मैं हॉस्पिटल में, पहले मुझे मालूम पड़ा ये बात कि किसी को करंट लगा हुआ है ब्लू बेल के पास, ऐसा सुनने में आया था। जब मैं बाहर निकला तो कुछ टोरेंट के लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और कुछ भारी लोग भी खड़े हुए थे, तो मुझे शक हुआ। तो मैंने उन लोग से पूछा कि क्या बात है भाई, वो बच्चे का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भाई बच्चे की डेथ हो गई। फिर मैं इमरजेंसी रूम में गया, वहाँ जाके देखा बच्चे की डेथ हो गई थी। मैंने पूछा नर्स से क्या हुआ, तो बोले कि उसकी डेथ हो गई बच्चे की। फिर मैंने ये बच्चे को पकड़ा। ये माशा कौन है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं उसके साथ में काम कर रहा हूँ। टोरेंट में काम करते हो आप भी? टोरेंट में काम करते हैं। इनसे मैंने पूछा क्या मसला है, तो बोले कि भाई ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हो, करंट से मरा है। मेरे साथ में काम करता था, मेरे सामने उसको करंट लगा हुआ है और ये लोग ये दबाने की ये कोशिश कर रहे कि भाई उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। एक 22-23 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया हुआ है। भाई हम लोग 4-5 महीने से रूम में साथ में रहते हैं, कभी उसको ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं है। अच्छा भाई, एक बात पूछनी थी आपसे, आप लोग काम कहाँ कर रहे थे? काम इधर, मेरे को बिल्डिंग का नाम नहीं मालूम, इधर नया अस्पताल बना है उधर ही हम लोग काम। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा, काम कर रहे थे हम दोनों, वो वायर जोड़ रहा था, उसको शॉट लगा, कैसे लगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसको करंट से भाई मौत हुई। उसके हाथ में कोई ग्लव्स था? नहीं। कंपनी ने आपकी सेफ्टी के लिए ग्लव्स दिया आप लोगों को? कोई नहीं, कोई ग्लव्स नहीं दी। और जो जिसकी डेथ हुई, वो बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम सुजीत यादव। सुजीत यादव। आप लोग एक ही घर में रहते थे? हम लोग एक ही रूम में रहते थे। घर तो हम, मेरा उससे कम से कम 7-8 किलोमीटर उसके घर से दूर मेरा गांव में। गांव में ही घर है, तो कैसे गांव तो पड़ता है। अभी आपने सुजीत के घर वालों को इत्तला दी इस मामले में? हाँ, उनके पापा को फोन लगा रहे हो तो फोन ही नहीं उठा रहे। आपने अपने टोरेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा इस मामले में? हाँ, मतलब मेरा जो सुपरवाइजर था, मैनेजर था, उससे मैं बोला, तो मेरा सेठ भी आया था, तो उसको अभी जैसा इन भाई ने कहा कि उन लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे हार्ट फेल बता करके, तो आपका जो स्टेटमेंट लिया गया अभी, तो स्टेटमेंट में आपने क्या कहा? मैंने कहा उसको शॉर्ट से मौत, करंट लगने से। हाँ, करंट लगने से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे टोरेंट के? टोरेंट एकदम लापरवाह है, ये ना अपने वर्करों को सेफ्टी दे पाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मास्टर की टीम है, जो रोजी इलेक्ट्रिकल करके, इनके बाद ये सब कॉन्ट्रेक्टर थे जो ये बच्चे काम कर रहे थे हाथ के नीचे।